हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आज हम लोग ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग को देखना था कि भारत कितने देशों से सीमा लगाता है। उसको देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के किस साइड कौन सा देश स्थित है। उसको देखते हैं। सबसे पहले इधर आप देखेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान स्थित है, यहाँ आपका अफगानिस्तान स्थित है, इधर आपका चीन स्थित है, यहाँ पे आपका नेपाल स्थित है, यहाँ पे भूटान स्थित है, इधर आपका म्यांमार स्थित है और नीचे आपका स्थित है यहाँ पे बांग्लादेश। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत कुल 7 देशों से सीमा लगाता है। फर्स्ट पे पाकिस्तान, सेकेंड आपका अफगानिस्तान, थर्ड पे है चीन, फोर्थ पे है आपका नेपाल, फिफ्थ पे है भूटान, सिक्स नंबर पे म्यांमार और सेवन नंबर पे है बांग्लादेश। कुल 7 देशों से भारत हमारा सीमा लगाता है। भारत को किन किन नामों से जानते हैं? भारत को हम कई नामों से जानते हैं, कुल 4 नामों से मेन रूप से जानते हैं, जिसमें से एक आपका है आर्यावर्त। कौन सा देश, क्या नाम है? आर्यावर्त। नेक्स्ट हम जानते हैं भारत, भारत को एक भारत नाम से भी जानते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं भारत। नेक्स्ट है जम्बू द्वीप। कौन सा नाम है? जम्बू द्वीप, नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान, नेक्स्ट कौन सा है? हिंदुस्तान। किस देश को कौन, किसने ये नामकरण किया, किसने ये नाम दिया, उसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है हिंदुस्तान। कौन सा है? हिंदुस्तान, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आर्यावर्त किसने कहा, भारत को आर्यावर्त किसने कहा। भारत को आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले, आर्यों के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा, भारत का नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त पड़ा। क्या नाम पड़ा? आर्यावर्त पड़ा। नेक्स्ट भारत क्यों कहा गया? आर्यों के शक्तिशाली राजा, कौन थे? भरत थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। अब हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से आप देखेंगे तो वो भरत राजा दुष्यंत के पुत्र और शकुंतला के पुत्र जो है उनके नाम पर भारत पड़ा है। जम्बू द्वीप क्यों पड़ा है? पुराणों के द्वारा लिया गया भारत में जम्बू द्वीप बौद्ध काल में कहा गया था, पुराणों के द्वारा इनको कहा गया है, बौद्ध काल में ये नाम इनको दिया गया। कौन सा नाम? जम्बू द्वीप। हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों अर्थात पारसी के द्वारा ये नाम दिया गया कि भारत का नाम क्या है? हिंदुस्तान है। भारत का नाम क्या है? हिंदुस्तान है। और भारत का आकार कैसा है, भारत किस आकार का है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का आकार किस हिसाब से है। तो भारत का आकार आप कहेंगे चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का आकार कैसा? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय का मतलब क्या होता है? जिसमें 4 कोने स्थित होते हैं उसको बोलते हैं चतुष्कोणीय। तो आप भारत में देख सकते हैं कि 4 कोने स्थित है, यहाँ पे आप ऐसे अगर बनाएं तो ये क्या बन रहा है? चतुष्कोणीय बन रहा है ना। तो इस हिसाब से भारत हमारा कैसा है? चतुष्कोणीय है। इसका आकार कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर भारत का हमारा आकार है। गोलार्ध, ये किस गोलार्ध में स्थित है? तो गोलार्ध जानने से पहले हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देते हैं, बाकी हम किसी और दिन देखेंगे। ये आपका हो गया ग्लोब, ये आपका क्या हो गया? ग्लोब हो गया। ग्लोब में यहाँ पे जो बीच की रेखा स्थित होती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और यहाँ पे 23.5 23 से ही 1/2 डिग्री जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर की साइड को, उत्तर की साइड को बोलते हैं कर्क रेखा। किसके उत्तर की साइड को? भूमध्य रेखा के उत्तर साइड को। नीचे स्थित है 23.5 वही 23 से ही 1/2 डिग्री पे, इसको बोलते हैं मकर रेखा। यानी भूमध्य रेखा के ऊपर साइड पे 23 से ही 1/2, उत्तर साइड पे ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है आपका दक्षिण, तो 23 से ही 1/2 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं, जबकि दक्षिण साइड में स्थित रेखा को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, हमें ये जानना था कि भारत की स्थिति क्या है, भारत स्थित कहाँ पे है, किस गोलार्ध में स्थित है। और ऊपर देखें जो इस तरह से लाइनें होती हैं इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। इनकी संख्या कितनी है, कैसे है, वो हम आगे क्लासों में देख लेंगे। यहाँ पे आपका भारत स्थित है, अगर आपका भारत यहाँ पे स्थित है तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि इधर आपका पूर्व था, ये पूर्व है, ये पश्चिम है,
ऊपर उत्तर है, नीचे क्या है दक्षिण है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऊपर की साइड से देखा जाए तो ये क्या है, उत्तरी। अगर अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो ये उत्तरी हो गया, और गोलार्ध के देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो गया, पूर्व हो गया। तो इसलिए भारत की स्थिति क्या होती है, उत्तर पूर्वी। भारत की स्थिति क्या होती है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत आपका स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पृथ्वी का कितना भूभाग भारत घेरे हुए है, पृथ्वी का कुल कितना भूभाग भारत के पास स्थित है। तो हमारा भारत 2.4% भाग लिया हुआ है अपने में। नेक्स्ट, भारत विश्व का कौन सा किस स्थान पर है, भारत जो है वो विश्व की किस स्थान पे आता है, तो सातवें स्थान पे आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये सातवें स्थान पे आता है। अब हमको मेन पढ़ना क्या था इसमें, पढ़ना ये था कि इसे सीमा कैसे कैसे लगाता है, किस किस राज्य से, किस किस देश से भारत की सीमा लगती है। तो सीमा में तो आपने देख लिया टोटल सात देशों से भारत की सीमा लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, सॉरी चीन, नेपाल, यहाँ हो गया भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये हो गया, ये आपका हो गया। अब आपको हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई दिया था कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबूथू। अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबूथू नामक स्थान जो है, किबूथू वो भारत का सबसे पूर्वी स्थित है, जो कितने डिग्री पर अक्षांश पर स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट अक्षांश पर स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो 98 डिग्री 7 मिनट पे गुजरात में स्थित गोरे माता है, गोरे माता जिसको गुहार मोती भी बोलते हैं, गुहार मोती भी बोलते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट के अक्षांश पर स्थित है। वैसे देशांतर पे देखेंगे तो अगर मुख्य भूमि का पूछता है तो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, जो कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी तमिलनाडु के केप कोमोरिन में स्थित है। और वैसे अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे उत्तरी बिंदु का दक्षिणतम, सॉरी सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर ऊपर उत्तरी बिंदु पूछता है तो कॉल इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी बिंदु पूछता है तो इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जबकि वैसे आप देखेंगे तो कौन सी है, इंदिरा कॉल है। भारत के दक्षिण में कौन सी रेखा स्थित है, अभी आपने देखा था भारत अगर यहाँ पर स्थित है, भारत अभी कहाँ पर स्थित है, भारत आपका यहाँ पर स्थित था यहाँ पे, और इसके नीचे कौन था, भूमध्य रेखा था, तो दक्षिण में कौन सी थी, भूमध्य रेखा स्थित है। और कन्याकुमारी के दक्षिण में भी भूमध्य रेखा स्थित है, क्योंकि कन्याकुमारी भारत का भाग है। अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी तीनों कहाँ मिलती हैं, कन्याकुमारी में मिलती हैं, तीनों कहाँ मिलती हैं, कन्याकुमारी में मिलती हैं। कैसे कन्याकुमारी में मिलती हैं वो भी पता होना चाहिए ना, रटंत विद्या से काम नहीं होने वाला है, तो उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है कन्याकुमारी, यहाँ पे आपका है कन्याकुमारी, कौन है, कन्याकुमारी है, इधर से आपका कौन है, यहाँ कौन है, अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे हिंद महासागर है, तीनों कहाँ पे मिलते हैं, कन्याकुमारी पे मिलते हैं, तीनों कहाँ पे मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं। नॉर्थ टू साउथ इसका विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है, लास्ट क्लास में देखा था। ईस्ट टू वेस्ट इसका विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य में, अरुणाचल प्रदेश कहाँ था, इधर साइड था, गुजरात आपका कहाँ था, यहाँ था, इसके मध्य में जो अंतराल है कितने समय का है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगर यदि अरुणाचल प्रदेश में 5 AM पर सूर्य उदय होगा तो गुजरात में 7 AM पर सूर्य उदय होगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम आप देखेंगे पारसेन, पारसेन इसको बोलते हैं, पिगमेलियन भी बोलते हैं, और लाहेचेन भी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, पारसेन, पिगमेलियन और लाहेचेन, पारसेन, पिगमेलियन और पारसेन, पिगमेलियन और लाहेचेन, लाहेचेन। भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी आपको बता दिया है कि कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 8 डिग्री 4 मिनट अगर मुख्य भूमि की बात करता है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश स्थित है भारत का देश। और ये उत्तरी दक्षिणी का क्या मतलब है, इसको भी ध्यान रखिएगा, उत्तरी क्यों बोला गया, उत्तरी अक्षांश क्यों बोला गया, क्योंकि जो भी हमने ग्लोब लिया था, क्या लिया था, जो भी हमने ग्लोब लिया था इस हिसाब से, ग्लोब में हमने क्या देखा था कि भारत जो स्थित है अक्षांश के यहाँ पे स्थित है, तो ये ऊपर कौन सा साइड है, उत्तरी है, इसलिए उत्तरी अक्षांश में स्थित है भारत, किस स्थान में स्थित है, उत्तरी अक्षांश। ये आपका 6 डिग्री भी उत्तरी में पड़ रहा है और ये 37 डिग्री भी यहाँ से यहाँ तक है, तो इसलिए इसको क्या बोलता है, बोला जाता है उत्तरी अक्षांश। वैसे अगर देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर भारत इधर है, तो इधर कौन सी साइड है, पूर्वी साइड है, तो हम पूर्वी, देशांतर की बात करेंगे तो पूर्वी बोलेंगे, और अक्षांश की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, उत्तरी बोलेंगे।
वैसे देशांतरीय विस्तार देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अस्वच्छांश कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो अस्वच्छांश 35 से 30 के बीच में उत्तरी में भी और 30 से 35 के बीच में दक्षिणी में भी जो अक्षांश है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। वैसे 50 डिग्री को प्रचंड 50 बोलते हैं, 60 डिग्री को प्रचंड 60 बोलते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। वैसे आगे भी अभी हम लोग को मिलेगा, आगे उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते हैं। क्या ध्यान देना है हमें, जो नहीं लगाते हैं, तो ऐसे कितने देश हैं, 5 कितने हैं, टोटल 5 राज्य ऐसे हैं, टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगा रहे हैं। एक आपने क्लियर कर लिया कि यहाँ पर आपका कौन सा स्थित था, हिमाचल प्रदेश, जो किसी से सीमा नहीं लगा रहा था। नेक्स्ट आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के बाद आप इधर अगर थोड़ा सा इस साइड देखें तो यहाँ आपको पड़ेगा एमपी, यहाँ कौन पड़ेगा, एमपी, जो किसके नीचे है, इधर से राजस्थान के नीचे है, इधर से यूपी के नीचे है, राजस्थान और यूपी के नीचे स्थित है, कौन स्थित है, एमपी। और ये इधर से देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, इधर कौन है, छत्तीसगढ़ स्थित है, एक सेकेंड, इधर कौन स्थित है, इसके छत्तीसगढ़ स्थित है, इधर आपका छत्तीसगढ़ स्थित है, इधर आपका इसके यूपी स्थित था, इधर से राजस्थान स्थित था, और नीचे से देखेंगे तो महाराष्ट्र स्थित है। इसका मतलब ये भी किसी से सीमा नहीं लगाता है। सेकंड कौन हो, फर्स्ट आपका हो गया हरियाणा, फर्स्ट आपका कौन हो गया हरियाणा, सेकंड आपका हो गया एमपी यानी मध्य प्रदेश, थर्ड आप देखें तीसरा वाला देखिए जो छत्तीसगढ़ स्थित था, छत्तीसगढ़ के इधर स्थित है ओडिशा, कौन स्थित है ओडिशा, तो अगर इधर ओडिशा स्थित है इसका मतलब छत्तीसगढ़ भी किसी से नहीं लगा रहा है, तो थर्ड हो गया आपका छत्तीसगढ़, थर्ड कौन हो गया आपका छत्तीसगढ़ हो गया। अब छत्तीसगढ़ के आगे थोड़ा सा ऊपर जाइए तो यहाँ आपका यूपी स्थित है, और यूपी के इधर स्थित है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और यूपी के बीच में स्थित है झारखंड, यहाँ कौन स्थित है झारखंड, इसका मतलब फोर्थ स्टेट आपका झारखंड भी किसी से नहीं लगा रहा है, किसी से मतलब स्टेट की बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है, किसी देश से नहीं लगा रहा है, इधर झारखंड भी किसी देश से नहीं लगा रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ एमपी, एमपी के नीचे आप देखेंगे कौन स्थित था महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र इधर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नीचे स्थित है यहाँ पर एक स्टेट आपका तेलंगाना, कौन सी तेलंगाना, जिसका 2 जून 2014 का निर्माण हुआ था, तो ये आपका तेलंगाना भी किसी से नहीं लगा रहा है, क्योंकि तेलंगाना की इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्थित है, इधर साइड से आंध्र प्रदेश स्थित है, इधर महाराष्ट्र और इधर से कर्नाटक स्थित है, तो ये भी एक ऐसा स्टेट है जो किसी से नहीं लगा रहा है। 5 पे आपका कौन हो गया तेलंगाना। आप अगर किसी भी स्टेट की अवस्थिति यानी यूपी, अगर ये भारत का मैप आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है सब चीज़ें याद करना। वैसे आप ट्रिक से भी देख सकते हैं, एक सेकंड रुकिए हम ट्रिक से आपको पांचों को दिखाते हैं। आपका ट्रिक क्या है, आपका ट्रिक है एच एम पी छत झार, यानी भारत के कितने राज्य किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते हैं, तो कुल 5 स्टेट थे, तो इसकी ट्रिक क्या है, एचएमपी छतधार, एच से हरियाणा, एच से आपका हो गया हरियाणा, एच से हरियाणा, एम से एमपी से हो गया आपका मध्य प्रदेश, छत छा से हो गया छत्तीसगढ़, छा से हो गया छत्तीसगढ़, ता से हो गया तेलंगाना, और झार से हो गया झारखंड। यानी ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते हैं। आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं, बात एक ही है, तो भी 5 राज्य जो भी आपने देखा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के ऐसे कितने राज्य जलीय व स्थलीय सीमा लगाते हैं, यानी जलीय भी लगाता है और स्थलीय भी सीमा लगाता है, तो ये कितने राज्य हैं, 2 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल और गुजरात। वेस्ट बंगाल किस साइड लगाता है और गुजरात किस साइड लगाता है, आप इसको भी एक बार मैप में देखें, कह रहा है जलीय और स्थलीय दोनों सीमा लगाता है, तो यहाँ पर स्थित है आपका पश्चिम बंगाल, तो आप इधर देखेंगे कौन सी सीमा है, इधर क्या है आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के इस साइड कौन है,
बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे देखेंगे आप बांग्लादेश है, यानी बांग्लादेश से भी सीमा स्थलीय सीमा लगा रहा है, इधर जलीय सीमा लगा रहा है। वैसे आप इधर देखिए गुजरात, गुजरात के इधर पाकिस्तान है जो स्थलीय सीमा लेके है, और इधर आपका अरब सागर स्थित है तो ये आपका जलीय सीमा है, यानी पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान से तो लगा रहा है, गुजरात और, गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे स्टेट हैं जो जलीय व स्थलीय दोनों सीमा लगाते हैं, जलीय व स्थलीय दोनों सीमा लगाते हैं। वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश से लगाता है, गुजरात आपका पाकिस्तान के साथ लगाता है, यहाँ तक आपने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको पता होगा कुल कितने राज्य हैं हमारे पास, 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं एंड 8 यूटी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश या यूटी यूनियन टेरेटरी है, ठीक है। और इसमें से 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, 16 स्टेट आपके ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेट लगाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेट लगाते हैं। अब हम कैसे देखेंगे इसको भी एक बार हम मैप से देख लें तो क्लियर हो जाएगा। कुल 16 है, ध्यान रखिएगा, कुल 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं। इसके लिए एक बार हम फिर से मैप देखते हैं, मैप के थ्रू पढ़ाई करिए, काफ़ी ईजी होता है। चलिए ध्यान देखते हैं, 16 स्टेट आपको हमें दिखाने हैं। तो इधर देखिए आपका गुजरात हो गया नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट आपका कौन सा हो गया, गुजरात, नंबर फर्स्ट आपका हो गया गुजरात, नंबर सेकंड आपका हो गया राजस्थान, ठीक है, इधर हो गया राजस्थान, फिर कौन स्थित है इधर, राजस्थान के ऊपर स्थित है पंजाब, पंजाब के स्तर इस ऊपर है जम्मू कश्मीर, ये यूनियन टेरेटरी है, इधर है लद्दाख। तो आपने पढ़ा था 2 UT, 2 UT ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, तो 2 कौन कौन से हो गए, एक आपका हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका हो गया लद्दाख, तो यूटी वाला तो आपने देख लिया। और 16 राज्य में से, 16 राज्य में से आपने 1 2 3 3 तो देख लिया, अब 4 वाला देखिए, इधर आ जाइए, इधर आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश, कौन स्थित है, हिमाचल प्रदेश नंबर 4 हो गया, UK नंबर 5 हो गया, फिर UP नंबर 6 हो गया आपका, यूपी क्या हो गया, नंबर 6 हो गया, यूपी के बाद आपका बिहार नंबर 7 हो गया, बिहार के बाद आपका कौन सा स्टेट है, यहाँ है आपका सिक्किम नंबर 8, और इधर से जाता है पश्चिम बंगाल जो इधर इधर दोनों साइड से सीमा लगाता है, तो ये आपका हो गया नंबर 9, नंबर 8 के बाद ये क्या हो गया, ये नंबर 8 था आपका सिक्किम, नंबर 9 आपका हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, इधर हम देखेंगे असम को, नंबर 9 हो गया था, नंबर 10, नंबर 10 आपका कौन है, असम, ऊपर आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश नंबर 11 हो गया अरुणाचल प्रदेश, और इसके नीचे स्थित है यहाँ पर नागालैंड नंबर 12 हो गया नागालैंड, फिर यहाँ पे स्थित है मणिपुर 13 हो गया, मणिपुर के बाद आपका कौन स्थित है, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम, यहाँ हो गया नंबर 13 हो गया था, नंबर 14 मिजोरम हो गया, और नंबर 15 आपका कौन हो गया, त्रिपुरा हो गया, नंबर 15 आपका क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, और नंबर 16 आपका क्या हो गया, मेघालय हो गया। तो आपने पढ़ा था 16 स्टेट ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, उनको आपने मैप में भी देख लिया, गुजरात यहाँ पे, गुजरात राजस्थान फिर पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, इधर हो गया आपका बिहार, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ आपका असम हो गया, असम इधर से भी सीमा लगाता है बांग्लादेश से, इधर वो कौन किससे लगाता है उस बात भी हम आगे देखेंगे। तो इधर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आप किसको देखते हैं आप बताइए एक बार, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा, और त्रिपुरा इसके नीचे कौन सा है, मेघालय। इतने स्टेट ऐसे हैं जो 16 स्टेट ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, जिनको आपने मैप में भी देख लिया, और 2 UT ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, यानी 16 राज्य और कितने यूटी, 2 UT ऐसे हैं, 16 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। कौन कौन से एक बार यहाँ देख लीजिए, गुजरात राजस्थान पंजाब हिमाचल प्रदेश UK UP बिहार सिक्किम वेस्ट बंगाल अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम मेघालय असम और त्रिपुरा, असम और कौन, त्रिपुरा, ये आपने देख लिया। आगे देखिए सिक्किम की सीमा किससे किससे लगती है, सिक्किम की सीमा किससे किससे लगती है, 3 देश से लगती है, कैसे 3 दिन से, आपने ऐसे बनाया था इसको, कुछ ऐसा था ये,
तो यहाँ पर कौन स्थित था? नेपाल स्थित था, ऊपर इसके चीन स्थित है, और इधर कौन स्थित है? भूटान स्थित है। यहाँ पे आपका स्थित था सिक्किम। तो सिक्किम की सीमा जो है तीन देशों से लगती है, नेपाल, चीन और कौन? भूटान। नेपाल, चीन और कौन? भूटान। नेपाल, चीन और कौन? भूटान। नेक्स्ट देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितनी स्टेट से लगती है? थ्री स्टेट से। कैसे? आप देखिए, ये सिक्किम है, इधर हम ऐसे जा रहे हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन है? ये है अरुणाचल प्रदेश। ये कौन है? अरुणाचल प्रदेश। इधर आप देखेंगे ये भूटान स्थित है, यहाँ पर ऊपर चीन स्थित है, और इसके साइड में इधर साइड म्यांमार स्थित है। तो इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी तीन देशों से लगती है, भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। नेक्स्ट आप देखिए, नागालैंड, किसकी बात हो रही है? नागालैंड। नागालैंड की सीमा किस देश के साथ लगती है? नागालैंड है कहाँ, पहले तो ये देख लें आप। ये नागालैंड कहाँ स्थित है? इधर स्थित है म्यांमार। ओ सॉरी, एक सेकेंड, ये सिक्किम हो गया, भूटान की सीमा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये हो गया सिक्किम हो गया, इधर आपका कौन है? भूटान स्थित है, ऊपर चीन स्थित है, इधर साइड म्यांमार स्थित है। अब आपको बताना है नागालैंड कहाँ है, तो ये म्यांमार है। म्यांमार के जस्ट नीचे कौन है? सॉरी, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे कौन है? नागालैंड है। तो नागालैंड की सीमा, अगर ऊपर ये आपका कौन बैठा है? अरुणाचल प्रदेश बैठा है, तो ऊपर से तो लगेगी नहीं किसी से, चीन आपका यहीं ऊपर स्थित है, और इधर कौन स्थित है? म्यांमार। तो चीन की सीमा, नागालैंड की सीमा किसके साथ लगती है? ओनली वन कंट्री से लगती है, जिसका नाम क्या है? म्यांमार, म्यांमार है, ठीक है। नेक्स्ट मणिपुर की सीमा हम देखेंगे, नागालैंड के नीचे कौन है? मणिपुर। यहाँ पे कौन स्थित था? मणिपुर स्थित है। अगर यहाँ पे मणिपुर स्थित है, तो मणिपुर की सीमा किसके साथ लगेगी? यहाँ पर कौन स्थित है? मणिपुर स्थित है। तो अगर यहाँ पे मणिपुर स्थित है, तो वही चीज़ यहाँ भी है, चीन तो ऊपर ही निकल गया, और यहाँ पे आप कौन है? म्यांमार स्थित है। तो मणिपुर की भी सीमा किससे लगेगी? ओनली वन कंट्री से, म्यांमार से। मिजोरम की सीमा कहाँ लगेगी? मिजोरम कहाँ था था? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इसके नीचे आपके यहाँ पर स्थित है, कौन स्थित है? मिजोरम। इधर से मिजोरम स्थित है, और इधर से कौन स्थित है? इस वाले पे त्रिपुरा स्थित है। तो मिजोरम की सीमा ऐसे यहाँ पे है। तो इधर आप देखेंगे, इधर कौन था? इधर म्यांमार था, और इधर साइड ये साइड किसका है? ये साइड आपका किसका है? बांग्लादेश का है। तो मिजोरम की सीमा टू स्टेट से लगती है, किसके हिस्से? म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश। अब बात करते हैं सेवन सिस्टर्स की। इधर सॉरी, एक आपका छूट गया त्रिपुरा, पूर्वोत्तर में एक छूट गया त्रिपुरा, यहाँ पे स्थित है त्रिपुरा। त्रिपुरा को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्थित है त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा देखिए, इधर साइड से भी बांग्लादेश से घिरा है, इधर साइड से भी बांग्लादेश से घिरा है, और इधर साइड से भी बांग्लादेश से घिरा है। तो आप कह सकते हैं त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो तीन तरफ से एक ही देश से घिरा हुआ है, जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ तो असम है। तो यहाँ पर आप कौन, तीन तरफ से एक ही देश से घिरा है, जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश है। अब बात कर लीजिए सेवन सिस्टर्स की। सेवन सिस्टर्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसके ट्रिक हमारे पास क्या है? AAMMNT, AAMMNT, AAMMNT। कई बार पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक याद हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से आप नहीं, आप एक बार मैथ से भी देख लीजिए। हमारे पास ट्रिक क्या है? AAMMNT, ए से सेवन सिस्टर्स इनको बोलते हैं, क्योंकि ये सेवन स्टेट से मिलकर बने हुए हैं। ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, एन से मणिपुर, एन से नागालैंड, और टी से त्रिपुरा। अब इनको एक बार हम मैप से देखेंगे। ये आपका सिक्किम हो गया, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश का है, ये इस तरह से घूम के आया और ऐसे निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, इधर आपका नागालैंड, मणिपुर, यहाँ आपका मिजोरम, इधर आपका स्थित है त्रिपुरा, त्रिपुरा बीच में आपका स्थित है असम, कौन स्थित है? असम। यहाँ की साइड आपका स्थित है मेघालय, को ध्यान रखिएगा, भूटान सीमा नहीं लगाता, क्योंकि ऊपर साइड ये असम, असम का स्टेट इधर असम है, ये कौन से यहाँ पर? मेघालय। कितने हो गए आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश आपका वन हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरे पे आप देख लीजिए नागालैंड, थर्ड है मणिपुर, फोर्थ है मिजोरम, फाइव है आपका त्रिपुरा, सिक्स है असम, और सेवन आपका हो गया मेघालय। यानी सेवन स्टेट ऐसे हैं जिनको सेवन सिस्टर्स बोला जाता है, ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं। और अगर इसी में हम सिक्किम को मिला दें, ये सिक्किम आपका पूर्वोत्तर साइड में इधर ही स्थित है, सिक्किम को हम बोलते हैं ये सात बहनों का, ये जो सेवन बहनें हैं इनका एक भाई है, इनका एक भाई है, तो ये एट हो जाते हैं। लेकिन सिक्किम को मिलाने के बाद, और सिक्किम को बोलते हैं सात बहनों का ये एक भाई है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सेकेंड,
देखते हैं। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। बांग्लादेश जो है वो मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। कैसे नहीं लगाता? अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश आपका यहाँ पर कुछ इस टाइप का बना हुआ है, कुछ इस टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका मणिपुर कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये है मणिपुर। तो बांग्लादेश आपका यहाँ है, बांग्लादेश यहाँ है, मिजोरम तक सीमा लगाता है। और इसके ऊपर जो ये मणिपुर है, इधर तो ये म्यांमार से सीमा लगाता है ना, तो इसलिए बांग्लादेश जो है वो मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। असम की सीमा किसे किसे लगती है? दो देशों से लगती है। असम आपका यहाँ बीच में था, आपने भी देखा था। तो असम आपके दो देशों से लगाता है, इधर इधर की साइड से बांग्लादेश से लगाता है, और ऊपर साइड ये जो सिक्किम का है इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ भूटान है। ऊपर मेघालय के ऊपर से किससे लगाता है? भूटान से लगाता है। यानी असम की सीमा दो देशों से लगती है, भूटान और बांग्लादेश। मेघालय की सीमा किससे लगती है? एक देश से। अभी आपको बताया था कि जो मेघालय है वो ऊपर की साइड से सीमा नहीं लगाता। जैसे यहाँ पर आपका अगर मेघालय स्थित है तो ये भूटान से सीमा नहीं लगाता, क्योंकि इसके ऊपर असम स्थित है। तो ये किससे लगाएगा? नीचे की साइड से लगाएगा, जहाँ पे नीचे कौन स्थित है? इसके बांग्लादेश स्थित है। तो यानी मेघालय की सीमा सिर्फ एक देश से लगती है, किससे? बांग्लादेश से। गुजरात की सीमा आपने देखा था एक देश से लगती है, पाकिस्तान से। राजस्थान की सीमा भी, भारत के पश्चिम साइड वाले हैं ये सब, पाकिस्तान की सीमा, राजस्थान की सीमा भी सिर्फ एक देश से लग रही है जो पाकिस्तान है। राजस्थान की सीमा एक देश से लग रही है जो पाकिस्तान है। पंजाब की सीमा भी एक देश से लग रही थी जो पाकिस्तान है। और जम्मू एंड कश्मीर की सीमा किससे लगती है? जम्मू एंड कश्मीर की सीमा किससे लगती है? तो जम्मू एंड कश्मीर सीमा पहले दो देशों से लगती थी, किससे किससे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के ऊपर कौन स्थित है? लद्दाख स्थित है। तो अब इसकी सीमा सिर्फ एक देश से लगती है जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर की सीमा सिर्फ एक स्टेट से लगती है, एक देश से, एक कंट्री से लगती है जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान है। लद्दाख की सीमा किसके से साथ लगती है? लद्दाख की सीमा तीन देश से लगती है, क्योंकि आपने कुछ इस टाइप का देखा यहाँ, ये तो इधर तो आपका नीचे हो गया जम्मू कश्मीर, और यहाँ जो है ये आपका स्थित है लद्दाख। तो लद्दाख की सीमा एक तरफ से इधर साइड से पाकिस्तान से लगा लेता है, यहाँ से अफगानिस्तान से लगा लेता है, इधर साइड से आप किससे लगा रहा है? चीन से लगा रहा है। तो यानी लद्दाख की सीमा तीन देशों से लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। यूपी की सीमा किससे लगती है? अभी आपने ऊपर देखा था कि नेपाल से लगती है। यूपी कहाँ था ऐसे कुछ? यूपी कहाँ था इस प्रकार से था, यहाँ नेपाल स्थित था, इसके जस्ट नीचे यूपी स्थित था। तो यूपी की सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। वैसे वेस्ट बंगाल की सीमा किससे किससे लगती है? वेस्ट बंगाल वाला, ये थोड़ा अच्छे से आप देख लीजिए। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल कहाँ स्थित है? एक सेकेंड रुकिए, पश्चिम बंगाल कहाँ स्थित है? आप इस तरह से देखेंगे, ये नेपाल स्थित है, ये सिक्किम है, ये भूटान है, ठीक है, ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं इसके, ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, कुछ इस प्रकार से बना है। यहाँ आपका कौन स्थित है? पश्चिम बंगाल। यहाँ कौन स्थित है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ, यहाँ से जाकर के नेपाल से सीमा लगा लेता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल यहाँ से जाकर नेपाल सीमा लगा लेता है। यहाँ से जा करके ये भूटान स्थित है, ये नेपाल का क्षेत्र था, ये भूटान का क्षेत्र था, बीच में ये अपना सिक्किम है। तो इधर से जा करके भूटान से सीमा लगा लेता है, और इधर साइड से आकर के किससे लगा लेता है? इधर साइड से आकर के किससे लगा लेता है? इधर साइड से आपका लगाता है बांग्लादेश से। तो वेस्ट बंगाल तीन स्टेट से, तीन कंट्री से सीमा लगाता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के पड़ोसी देश के कितने हैं ये आप बताइए? टोटल सेवन है। अभी आपने, हमने ऊपर देखा, सेवन कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट, भारत के कौन कौन से स्टेट किस कंट्री से सीमा लगाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।